ओके गाइस, सो अ क्विक मिड मार्केट अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू। आज 14 नवंबर है एंड वापस से हम लोगों को निफ्टी जो एक साइडवेज रेंज में दिख रहा है, जैसा कि हमको पिछले ट्रेडिंग सेशन में दिखा था, यहाँ पर एक रेंज बाउंड की मूवमेंट थी। हाँ, निफ्टी ने थोड़ा सा एक डायगोनल ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन को तोड़ा जरूर है, राइट। एंड मैंने आप लोगों को टेलीग्राम के अंदर एक लेवल बताया था, वो था 18,320 का लेवल। तो आई थिंक वो लेवल अगर टूटेगा तो उसके नीचे हमको अच्छा फॉल देखने के लिए मिलना चाहिए। एंटिल अनलेस वो लेवल नहीं टूटता, तब तक आप लोगों को वेट करना चाहिए। अपसाइड के लिए 18,400 का लेवल है सेफ इनफ, क्योंकि वो आज का हाई है और पिछले दो दिन का ट्रेडिंग रेंज का भी हाई है, तो उस चीज का हम लोग को ध्यान रखना है। अभी आज हम आप देख सकते हैं कि कैंडल इसको नीचे की साइड को तोड़ने का ट्राई कर रही है। मेरे को पर्टिकुलरली नीचे की साइड की ट्रेड में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बट स्टिल मतलब एक वो हो जाता है ना कि चलो कुछ तो करते ही है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा आप समझ रहे हो ना। ठीक है, तो निफ्टी की बात यहां पर हो गई, मैंने आपको लेवल्स दे दिए, मैंने आपको बायस बता दिया। एंड मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को शॉर्ट नहीं करना चाहिए, आप लोगों को बाउंस का वेट करना चाहिए। मतलब डिप आएगी तो डिप पे बाउंस आएगा पक्का, उस डिप को बाय करने के लिए आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। नाउ बैक टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी ओवरऑल एक साइडवेज सा ही लग रहा है, सुबह से अगर आप देखो तो 100-150 पॉइंट्स के बीच में घूम रहा है, तो खासा कोई मजा आ नहीं रहा है। अब तक 3 घंटे हो चुके हैं, तो आई थिंक ऊपर की साइड के लिए अगर आप लोग लेवल का वेट कर रहे हो तो 42,080 का लेवल है, बट अगर आपको सेफ लेवल चाहिए तो सेफ लेवल 42,200 का है। ये 42,200 का लेवल टूटेगा तो मैं बेटर फील करूंगा फॉर दी बुल साइड, क्योंकि यहां पर अगर आप देखो एक हमको डायगोनल ट्रेंड लाइन भी मिलेगी छोटे टाइम फ्रेम के लिए। वो डायगोनल ट्रेंड लाइन तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है अब यहाँ से बुल्स के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल जो हल्का सा सेंटिमेंट है वो बियरिश है, क्रिप्टोज भी टूटने लगी हैं अभी, तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ी सी डिप दे दे यहाँ से। बैंक निफ्टी 150-200-300 पॉइंट्स का डिप दे दे, निफ्टी 50-60 पॉइंट्स का डिप दे दे, तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द मिड मार्केट अपडेट। थैंक यू।